हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोटो यार्ड। आज हमारे पास आई है KTM 200, जिसकी हमने करनी है थोटर बॉडी क्लीन, जिसके अंदर प्रॉब्लम है। खाली कच्चा तेल मार रही है, प्लग शॉर्ट कर रही है बार बार, तो उसके अंदर थोटर बॉडी आपको दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। चलिए हाजी। खोल ली हमने इसकी थ्रॉटल बॉडी और देखिए कितनी साफ है। बहुत ज़्यादा गंदा ऐसे भरा हुआ कि कोई हद नहीं। प्लग तो शॉर्ट होंगे ही होंगे। ये देखिए इधर से भी, दोनों तरफ से कितना कार्बन जमा हुआ है इसके अंदर। ये देखिए बिल्कुल सिक्के के पास इतना कार्बन जमा हुआ है कि जिसकी कहने की कोई हद नहीं। ये देखिए गंदगी जाएगी तो अपने आप ही प्लग शॉर्ट मारेगा। चलिए साफ करते हैं इसको भी। पहले खोलते हैं चोक वाला सेंसर खोलते हैं, पहले इसको क्लीन करेंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसकी भी प्रॉब्लम काफ़ी होती है इसके अंदर, जो गाड़ी स्टार्टिंग में ट्रबल करती है, मिसिंग भी आती है इससे। खोल के पहले क्लीन करेंगे इसे। वाटर बॉडी जो आपको दिखाई थी मैंने, देखिए कितनी बेहतरीन हो रखी है। बहुत ज़्यादा गाड़ी मिसिंग तो मारेगी मारेगी, कच्चा तेल भी मारेगी जब प्रॉपर थ्रॉटल बॉडी काम नहीं करेगी तो। ओहो क्या काम करेगी, देखिए कितनी फर्क है इसमें, कितनी बेहतरीन हो रखी है। हाय हाय बिल्कुल ही गंदी हो रखी है बहुत ज़्यादा। ये देखिए क्लीन करके कितनी गंदगी अंदर, पूरी सफाई होगी तभी तो काम कर नहीं रहा ये। ये देखिए करते हैं इसको साफ, फिर इसको आगे जाएंगे। इसको खोलते हैं इंजेक्टर भी, इंजेक्टर वगैरह सब साफ करेंगे इसका खोल के प्रॉपर तरीके से। इसके अंदर भी क्या कचरा है, सब कचरा भरा पड़ा इसके अंदर, तो इसको भी खोलते हैं। ये तो बहुत जाम है, खोलो। काफी जाम हो रहा पिच इसका। टी वाला हैंडल लेके आई हूँ, ये पेज काफ़ी जाम हो रहा है। बड़े बड़े कभी कभी खोला नहीं ना तो बहुत जाम हो रहा है इसमें, काफ़ी जान लगा के खोलना पड़ रहा है इस पेज को। बड़ा जाम पेज था ये तो, काफ़ी मेहनत लग गई इसको खोलने में भी, पर क्या करें खोलना तो पड़ेगा ही ना इसे, इतना जाम है जो प्रॉब्लम कर रही है। अगर इसे खोलूंगा नहीं सफाई नहीं हो पाएगी इसकी ढंग से, सफाई करेंगे तभी तो काम करेगी। इसको भी देखिए, ओ तेरी, हाँ ये है कि गंदगी तो इसके अंदर भी है काफ़ी। चलिए साफ़ करते हैं, पहले इसके अंदर तो डालेंगे ऐसी पेट्रोल थोड़ा सा, जो खुशपन है थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल से साफ़ कर देते हैं पहले इसको, देखिए कितना गंदगी है। खोलेंगे उसकी थोड़ा बड़ी,
ये इसका हथियार है जिससे ये साफ होगा। देखिए शक्ल नजर आ रही है कुछ, अभी तो इसको साफ करेंगे बढ़िया तरीके से, फिर इसकी शक्ल बेहतरीन सी नजर आएगी। जितनी थोड़ा बॉडी गंदी होगी ना उतनी ही ज़्यादा स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, प्लग शॉर्ट होंगे, क्योंकि इसका जो कच्चा तेल मारती है ना सलेंसर, तो इसकी थोड़ा बॉडी की भी प्रॉब्लम होती है कच्चा तेल मारने की। कहता ना कि पिस्टन की दिक्कत से भी खाली प्लग शॉर्ट नहीं होते, इनकी प्रॉब्लम से भी प्लग शॉर्ट होते हैं, क्योंकि कच्चा तेल मारेगी स्टार्टिंग ट्रबल होगी, फिर दिक्कत तो होनी होनी है। शुगर है थोड़ा सा नज़र तो आ रहा है, यहाँ भी देखिए लग रहा कुछ साफ हुआ नहीं हुआ। मेन जगह तो साफ करनी है जो काम करती है, मेन पॉइंट यही है जिससे स्टार्टिंग ट्रबल हो जाती है गाड़ी की, मिसिंग करती है, तो अगर कभी बार दिक्कत हो जाती है हम ये डाल भी देते हैं नया, पर फिलहाल इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि ये डालना पड़े, फिलहाल सफाई से ही काम हो जाएगा। तो हम इसकी सफाई करेंगे बढ़िया तरीके से, सफाई तो हो चुकी है वैसे तो। हो चुका है अब ये थोटर बॉडी का क्लीनर थोड़ा कम लगेगा हमारा, अब इससे साफ करेंगे इसको, क्योंकि इससे क्या है कि जितना हो चुका हो गया, बाकी इससे सुराख खोलेंगे इसके पूरे पूरे। थोटर बॉडी देखिए कितनी क्लीन हो गई है, होगी ना पूरी साफ, कितनी गंदगी थी इसमें, तो अभी ये काम भी बढ़िया तरीके से करेगा। चलो ये तो हो गया, आप दूसरी चीज़ करते हैं इसका, फिलहाल ये करना शुरू करते हैं इसको साफ। मेन चीज़ तो यही काम करती है स्टार्टिंग पे। ये भी हो गया साफ, इंजेक्टर तो सर ऐसी है, इंजेक्टर तो मेन यहाँ से होता है, हम फिलहाल खोला तो साफ कर ही दे इसको भी।
चलिए इसे फिट करते हैं। हो गया साफ तो ये पूरा कंप्लीट, ये देखिए बिल्कुल ही कंप्लीट ही हो गया एकदम साफ। बड़े रही हल्का सा कचरा लग रहा है, इस पर मारते हैं। अब हो गया एकदम कंप्लीट साफ, इसको फिट करते हैं वापसी। हो चुका है साफ, ये हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे इसके अंदर कि ओल्डरिंग ना कटे। आपने वीडियो में देखा होगा मेरे को बोलते हुए कि ओल्डरिंग ना कटे, इसलिए हम लगाते हैं हल्का हल्का, दिक्कत ना आए ना। इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी हम हल्का हल्का लगाते, पर इसमें लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसके अंदर कितनी गंदगी थी, मेन रोल जो होता है इसका ही होता है, इसके अंदर जो इसके अंदर गंदगी थी ना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसके लिए सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है इसके अंदर, पर कस्टमर का कराता ही नहीं। कस्टमर कहते सर्विस पे एक बार ही कराते, हमने स्पेशल खाली थोटर बॉडी इसीलिए खोली है सफाई करने के लिए, क्योंकि मिसिंग बहुत ज़्यादा मार रही थी। तो तीन बार ही प्लग शॉर्ट हो गया इसके कस्टमर का, तो मैंने कहा चल कस्टमर को मैंने बोल ही दिया, मैं कहा भैया इसकी थोटर बॉडी एक बार साफ़ करा लो, क्योंकि आपकी गाड़ी के ना प्लग शॉर्ट हो रहे हैं बार बार। फिर कस्टमर ने बोला कि हाँ भाई चलो कर दो, कह रहा बार बार प्लग डलवाऊंगा, इससे बढ़िया एक बार थोटर बॉडी साफ़ कर दो। तब हमने थोटर बॉडी खोली इसकी, राम राम जी, हल्का सा हम इस पर भी ऑयल लगाएंगे, लगाना ज़रूरी है, लगा देते इससे दिक्कत ये होती कि होल्डिंग कटती नहीं, हल्का सा हम इसमें भी ऑयल लगाएंगे क्योंकि इसका बोल्ट काफ़ी जाम खुला था। जाम खुला था इसके अंदर, इसलिए ऑयल डाले, फ्रीज आता ना नट जो देखिए कितने टाइट खुला था, और अभी बिल्कुल मुलायम मलाई की तरह जा रहा है। ये हो गया हमारी थोटर बॉडी साफ, अब हम इसको करते हैं फिटिंग, लगाते हैं उसके अंदर, फिर स्टार्ट करेंगे इसे, फिर चेक करते हैं। रात को थोटर बॉडी वगैरह साफ कर दी थी, पर इसकी वायर ना पूरी कटी हुई थी, जो नई वायर डाल रहे हैं उसके अंदर, ये वायर ये कटी हुई, ये देखिए पूरी कट गई थी ना वायर ये सारी, तो इसलिए नई वायर लेके आए डालने के लिए। तो थोटर बॉडी रात में बीच में ही रह गई थी, तो अब इसको फिट करते हैं, पहले नई वायर डालेंगे फिर थोटर बॉडी फिट करेंगे इसकी। देखियो करिए इसको स्टार्ट, पेट्रोल है, ये इसमें कच्चा तेल आ रहा था, इसीलिए पूरी थोटर बॉडी इसकी साफ करिए खुल के, पर अभी इसकी प्लग पूरी खुल के पूरी साफ जो हो गई है ना, तो ये कंप्लीट हो गई है गाड़ी। अब इसमें सिर्फ आ रहा है लो फ्यूल लेवल, पेट्रोल डलवाएंगे और गाड़ी कंप्लीट कर देगा, पैक कर दो भाई गाड़ी।